हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में नंबर सिस्टम के 20 क्वेश्चंस कवर करवाने वाले हैं और इस टॉपिक में आपको 300 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और सभी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध करवा दिया जाएगा और इसका पीडीएफ फाइल टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाया जाएगा जिसका लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध होता जाएगा। तो पहला प्रश्न देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इस टॉपिक का। जब संख्या एन को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है तो एन स्क्वायर को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। ध्यान दीजिएगा स्टार्टिंग में, जब संख्या n को 5 से भाग देने पर, देखिए n बटे यदि 5 करें तो रिमाइंडर यानी शेष फल बचता है 2, यहाँ शेष 2 बचता है। तो कह रहा है कि n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर, तो अब यहाँ n स्क्वायर को 5 से भाग देना है तो शेष कितना बचेगा। देखिए यहाँ पर प्रथम शेष 2 बच रहा है, यही n की वैल्यू हो जाएगी, मतलब n बराबर 2 ले लेना है। ध्यान रखेंगे जो प्रथम शेष बचता है वही संख्या हो जाती है। अब n स्क्वायर है तो n स्क्वायर का मतलब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, n की वैल्यू 2 लेना है, इसको याद रखिएगा। ये जो प्रथम शेष बचा है और 2 स्क्वायर बटे 5 कर देंगे तो 2 स्क्वायर 4 होगा, 4 बटे 5। अब देखिए 5 से भाग, ये छोटा मान है 4, तो अतः शेष 4 ही बचेगा क्योंकि 5 में से भाग दे रहे हैं, तो यदि 5 से कोई भी छोटी वैल्यू आती है तो वही शेष होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से कटेंगी। यहाँ पर देखिए 3 या 4 लिखा है, 3 या 4 से कटेंगी, बीच में या शब्द यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको फोकस करेंगे, ऐसे लगाते हैं। देखिए इसका तरीका, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो 100/3 क्योंकि फर्स्ट 3 है यहाँ पर और प्लस दूसरा है 4, तो 100/4 यहाँ प्लस होगा, फिर माइनस 100/3 4 का LCM, 3 4 का LCM। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक में निकालना है कैंसिल आउट करके, 3 से काटेंगे तो ये 33 बार जाएगा, 33 यानी 99 होता है, 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 25 बार जाएगा, 25 चौको 100, और यहाँ 3 4 का LCM आता है 12, तो 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, ये 8 बार जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेते हैं फिर इसको 8 माइनस कर देंगे तो 33 25 58 होगा, यहाँ जोड़ने पर 58 होगा, माइनस 8 कर देंगे तो 58 में 8 घटाएंगे तो 50 संख्याएं होंगी, जो कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो टोटल 50 संख्याएं हैं। इस तरह इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 1 और 700 के बीच की कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतया विभाज्य है। तो इस सवाल को देखिए ऐसे सॉल्व करते हैं, ये जो 1 से लेकर के 700 तक है तो ये अंतिम वाला यहाँ पर वैल्यू अंतिम वाली ले करके और इसी में 17 से भाग करेंगे, 700/17, तो जो वैल्यू पूर्णांक में आएगी वही संख्याओं की संख्या हो जाएगी। 1 और 700 के बीच टोटल संख्याएं निकालना, तो 17 से भाग करेंगे वो भी 700 में। अब देखिए 17 एकम 17, यहाँ पर पहले जाएगा 17 चौको 68, 4 बार जाएगा और इसके बाद बचा 12 120 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 20 हुआ, तो 17 एकम 17 एक बार जाएगा, मतलब 41 संख्याएं 41 बार जाएगा पूर्णांक में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 41 संख्याएं होंगी। पूर्णांक में निकालना है, यहाँ ध्यान रखेंगे दशमलव में नहीं निकालना है, 41 ही निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, 19 की घात 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। देखिए यहाँ पर ये 19 छोटा है 20 से और ये भाजक है, तो यदि ये भाज्य हो जाएगा, तो भाजक यदि भाज से छोटा है, वो भी देखिए 1 छोटा है 1 कम है, तो माइनस 1 हो जाएगा, यदि 1 ज़्यादा होता तो प्लस 1 लेते और घात में लगा देंगे 300, यहाँ पर घात में 300 होगा, तो यही अभीष्ट शेष हो जाएगा, -1 की घात 300, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर -1 को 300 बार जब गुणा करेंगे तो +1 आ जाएगा, तो अभीष्ट शेष हो जाएगा +1, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। याद रखिएगा माइनस कोई भी 1 की घात में सम संख्या हो, -1 की घात सम है तो हमेशा +1 आता है, और यदि -1 की घात में यदि विषम है तो यहीं पर आ जाता -1 आता, यहाँ पर -1 होता, इसको भी याद रखना है कि कब +1 आएगा कब -1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 19 है ये 20 है इसलिए ये 1 कम था, तो -1, अब पावर में यहाँ 300 दिया हुआ है तो ये 300 घात लगाएंगे, -1 को 300 बार जब गुणा करेंगे तो +1 वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फाइव है,
निम्नलिखित में से कौन सी तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाजित है। अब डायरेक्ट चेक कर लेंगे 13 का टेबल, तो यहाँ पर देखिएगा 13 से विभाजित संख्या जो होगी उसमें 13 का भाग चला जाएगा, जो संख्या 13 से डिवाइड होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट होगा, 13 का भाग इसमें चला जाएगा। देखिए इसमें 13 × 7 = 91, पहले 7 बार जाएगा, 988 में 13 का पूरा भाग जाता है। देखिएगा 13 × 7 = 91 और फिर बचा 7 × 78, 13 × 78, ये पूरा भाग चला जाता है, 76 आया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, बाकी इसमें तीनों ऑप्शन में 13 का भाग नहीं जाएगा, तो इसको डायरेक्ट चेक कर लेना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि संख्या देखिए 93, 24, 8, x, यहाँ पर x है 6, 11 से विभाज्य है, तो अंक x का मान कितना होगा। देखिए यहाँ संख्या है 93, पहले लिख लेते हैं 93, 24, 8, x, 6, ये 11 से विभाजित है। तो 11 का विभाजता का नियम है, ध्यान रखेंगे कि पहले विषम वाले स्थान देख लेंगे, 1, 8, 6, 14, 14, 2, 16, 16, 9, 25, यहाँ पर इनका योग आया 25, विषम को पहले जोड़ लेना है, प्लस कर लेना है, और इसके बाद अब सम वाले स्थान देख लेंगे, तो 4, 3, 7 और 7 और प्लस x, तो माइनस करेंगे इसमें 7 और माइनस x, इन दोनों को यहाँ पर घटाना है, मतलब विषम स्थान वालों को जोड़ लेना है आपस में और सम वाले स्थानों को जोड़ करके और घटाना है, और इसमें 11 का भाग करना है, तो 11 का भाग यदि चला जाता है तो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। 25 में 7 घटाएंगे तो बचा 18 और माइनस यहाँ पर x की वैल्यू ऑप्शन से रखना है, भाग पूरा 11 का चला जाए, तो x का ऐसा मान ऑप्शन से रखना है कि 18 में घटाने पर 11 से डिवाइड हो जाए। तो पहले यदि 5 रखते हैं तो देखिए 18 में 5 घटाएंगे तो 13 बचेगा, जो कि ये होगा नहीं फर्स्ट। सेकेंड यदि 2 रखते हैं तो 18 में 2 घटाएंगे तो 16 होगा, ये भी नहीं सेट होगा। यदि 8 रखते हैं तो 18 में 8 घटाएंगे तो 10 होगा, ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, एक्स की वैल्यू 7 रखना पड़ेगा। 18 में जब 7 घटाएंगे यहाँ पर तो बचेगी वैल्यू 11 और 11/11 करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा भाग चला जाता है, एक बार जाएगा। तो अतः इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इसको ध्यान रखेंगे, इस तरह इसको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, 41 की घात 43 प्लस 43 की घात 43 इनमें से किससे विभाज्य है। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी होती है, एक्स की पावर एन प्लस वाई की पावर एन हमेशा ये विभाजित होता है एक्स प्लस वाई से, इसको याद रखिएगा, ये हमेशा x प्लस वाई से डिवाइड होगा, और n ऑड है, n क्या होना चाहिए, ऑड, ऑड का मतलब विषम, n विषम होगा तब। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे n विषम में, देखिए 43 से दोनों में घात 43 लगी है, और ये x है ये y है, अलग अलग वैल्यू दी है, तो 41 की घात 43 और प्लस 43 की घात 43 ये विभाजित हो जाएगा 41 + 43 से, हमें x और y की वैल्यू लिख लेना है, आइडेंटिटी होती है, इसको याद रखिएगा। तो 41 43 जोड़ेंगे तो आएगी वैल्यू 84 और ये 84 से विभाजित हो जाएगा, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इसको इसी तरह सॉल्व करना है, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है लगाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभाजित होगी। यहाँ पर देखिएगा पी क्यू और क्यू पी, इसी को रिवर्स कर दिया, ये किससे विभाजित होगी, और 2 अंकों वाली संख्या है कह रहा है, और दोनों अंक अलग अलग है, क्योंकि देखिए यहाँ पर P और Q यूज हुआ है, मतलब P और Q ये दोनों अंक अलग अलग बता रहा है। तो यदि यहाँ पर P को मान लेते हैं 1 और Q को 2, तो 12 बन जाएगा, और Q यदि 2 है P 1 है तो 21 हो जाएगा, और 12 में 21 घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी, तो घटाने पर 9, और ये हमेशा 9 से विभाजित होगी, अतः इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब किसी भी वैल्यू को रखेंगे अलग अलग तो हमेशा 9 से डिवाइड होगी, तो मिनिमम वैल्यू 1 और 2 रख के चेक कर लेते हैं, इसमें इसी तरह सॉल्व करना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये 9 से डिवाइड होगा हमेशा पी क्यू माइनस क्यू पी क्यू पी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n क्यूब माइनस n हमेशा किससे विभाज्य होगा। अब n प्राकृत संख्या है तो शून्य को छोड़ करके पहले 1 रख के देख लेंगे, फिर 2, फिर 3, ऐसे n की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए n क्यूब माइनस n पूछ रहा किससे विभाजित होगा, तो n क्यूब माइनस n का मतलब हो जाएगा, पहले सॉरी यहाँ पर n है, n क्यूब माइनस n की बात कर रहा है,
तो पहले यन की वैल्यू यहाँ पर एक रखेंगे तो एक क्यू माइनस एक करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर जीरो। तो जीरो ऑप्शन में दिया नहीं है। पुनः देखिए यन क्यू माइनस यन है तो यन की वैल्यू दो रखिए, दो क्यूब माइनस दो करेंगे तो दो क्यूब आठ होता है और आठ में जब दो घटाएंगे तो ये वैल्यू आई छः। तो ये हमेशा सदैव छः से विभाजित होगा, इसको याद रखेंगे। तो मतलब इसको और भी वैल्यू चेक करके देखेंगे तो छः से विभाजित हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर दो सेट हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक संख्या को सात से विभाजित करने पर शेष चार बचता है, तो उसी संख्या के स्क्वायर अर्थात वर्ग को सात से विभाजित करने पर शेष कितना बचेगा। देखिएगा यहाँ पर एक संख्या को सात से विभाजित करते हैं तो यन मान लीजिए संख्या है और सात से विभाजित किए तो शेष चार बचा। अब यहाँ पर हमने बताया था कि जो प्रथम शेष बचता है वही संख्या हो जाती है, मतलब यन की वैल्यू चार ही लेना है। अब कह रहा कि उसी संख्या के वर्ग को, मतलब ये जो यन था अब यन के स्क्वायर को भाग करना है सात से पुनः। तो अब देखिए यहाँ पर यन की वैल्यू तो चार है तो चार का स्क्वायर और बटे सात, चार का स्क्वायर सोलह होगा, सोलह में सात से भाग करेंगे तो दो बार जाएगा, सात दूनी चौदह और शेष दो बचेगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर इलेवन है, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योगफल 307 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले लेंगे, तो चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 ये चार अंक ले लेंगे और इसमें भाग कर देंगे डायरेक्ट 307 से। अब यहाँ पर देखिएगा जब 307 से भाग करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको नहीं घटाना नहीं है, इसमें जोड़ने की बात कर रहा है, कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दी जाए। तो डायरेक्ट इसको पहले भाग करके चेक कर लेंगे 11 नंबर में, तो जब भाग करेंगे तो देखिएगा इसमें तीन बार पहले भाग जाएगा क्योंकि 307 है यहाँ पर, तो तीन बार जब भाग करेंगे तो 921 हो जाएगी वैल्यू। अब माइनस करेंगे यहाँ पर तो 9 में 1 घटाएंगे 8, 9 में 2 घटाएंगे 7, तो यहाँ पर 0 और ये 9 आ जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पर देखिएगा दो बार जाएगा तो 307 दूनी 614 हो जाएगी वैल्यू, और यहाँ पर अब माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा वैल्यू आ जाएगी 175। अब ये 175 रिमाइंडर हो गया, लेकिन यहाँ पर जोड़ने की बात कर रहा है तो जोड़ने वाली संख्या प्राप्त करने के लिए 307 में 175 पहले घटा लेंगे। 307 माइनस 175 देखिए वैल्यू कितनी आती है, तो यहाँ पर घटाने पर जोड़ने वाली संख्या मिल जाएगी, 7 में 5 घटाएंगे 2, 10 में 7 घटाएंगे 3 और यहाँ पर 2 में 1 घटाएंगे 132, वो अभी संख्या जोड़ने वाली 132 होगी। याद रखिएगा 307 में पहले शेष को माइनस कर लेंगे तो 132 ये संख्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी है, इस तरह इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है, 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो हमें विषम संख्या लिखना है, वो भी 5 का गुणज हो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 5 का गुणज हो और 3 से 60 के बीच, तो 3 से बड़ा यदि देखें विषम हो तो 5 ही होगा जो 5 से विभाजित होगा, फिर 5 के बाद 10 को छोड़ देंगे, 10 एक सम है, सीधे 15 ले लेंगे, विषम संख्या लेते जाना है, 5 का मल्टीपल लेना है, 5 के बाद 15 के बाद 20 को छोड़ देंगे तब 25 ले लेंगे क्योंकि 60 के पहले पहले की संख्या लेना है, फिर 30 को छोड़ देंगे, 30 सम है, फिर 35 ले लेंगे, ऐसे 45 ले लेना है और 55 लेना है बस। तो 3 से और 60 के बीच की ये संख्याएं विषम संख्याएं हैं जो 5 का मल्टीपल है, 5 से कटती हैं, तो टोटल 6 हैं, देखिए 3 3 6 संख्याएं ऐसी हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 300 और 1000 के बीच वो भी 7 से विभाजित होने वाली, तो 300/7 कर लेंगे माइनस 1000/7, डायरेक्ट इसको सीधा सीधा सॉल्व करना है। अब देखिए पहले 7 से भाग करेंगे इसमें 1000 में, वो भी पूर्णांक मान निकालना है, 7 एकम 7, फिर 3 30 हुआ, 7 चौक 28, फिर 2 20 हुआ, 7 दूनी 14, 142 बार जाएगा। यहाँ 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28 और 2 20, 7 दूनी 14, 42 बार, 142 में 42 को घटा देंगे तो संख्या आ जाएगी टोटल जो विभाजित होंगी, तो 100 संख्याएं होंगी, 142 माइनस 42 करेंगे तो 100 संख्याएं ऐसी हैं जो विभाजित होंगी 7 से, 300 और 1000 के बीच की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाजित हो।
अब यहाँ पर पांच अंकों की बोल रहा है बड़ी से बड़ी, तो पहले नौ को लिखेंगे पांच बार। तो यहाँ पर देखिए इसको बेसिक से ही सॉल्व करेंगे, तो जब नौ को लिखेंगे पांच बार 9999 और डिवाइड करना है 468 से, तो देखिए 468 से जब भाग करेंगे, सॉरी यहाँ पर 468 है, यहाँ 468 से भाग करना है 468। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक बार सॉरी दो बार भाग करेंगे, भाग जाएगा दो बार, 468 दूनी 936, यहाँ पर लिखेंगे 936। अब यहाँ पर माइनस कर लेंगे, देखिए वैल्यू आएगी 9 में 6 घटाएंगे 3, यहाँ पर 9 में 3 घटाएंगे 6, यहाँ 0, और ये 9 उतरेगा, एक 9 यहाँ पर आ जाएगा, तो 639 हुआ। अब जाएगा एक बार 468 एकम 468। अब यहाँ पर माइनस करेंगे पुनः, तो 9 में 8 घटाएंगे 1, और 13 में 6 घटाएंगे 7, और 5 में 4 घटाएंगे 1, 171, और यहाँ पर 9 आ जाएगा, ये वाला 9 उतरेगा लास्ट वाला, तो 1719 हुआ। अब ये भाग जाएगा देखिएगा यहाँ पर तीन बार भाग जाएगा, तीन बार जब भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगी वैल्यू 1404, तीन बार में भाग करने पर 1404 आएगा। अब माइनस कर लेंगे तो 9 में 4 घटाएंगे 5, और यहाँ पर 1 में 0 घटाएंगे 1, 7 में 4 घटाएंगे 3, 315 आ गई वैल्यू। अब यहाँ पर ध्यान देना है ये जो शेष आया है तो 315 को ही माइनस कर देना है, क्योंकि बड़ी से बड़ी यहाँ बोल रहा है, तो चार अंक पाँच अंकों की, तो इसलिए माइनस कर लेंगे, और ये 99999 में, तो यहाँ पर अभी संख्या मिल जाएगी 99999 में 315 माइनस करना है। तो देखिए 315 जब माइनस करेंगे तो 9 में 5 घटाएंगे 4, 9 में 1 घटाएंगे 8, 9 में 3 घटाएंगे 6। अब देखिए 684 किस में है, तो देखिए 684 केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट होगा, और ये 99 यहाँ पर आ जाएगा, तो 99684 इसका उत्तर होगा। तो इस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5, 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 250 और 1000 बता रहा है, यहाँ इनके बीच की पूछ रहा है, तो 5, 6, 7 तीन तीन संख्याएं, तो इनका LCM से डिवाइड कर देना है, 5, 6, 7 का LCM इनका लेना पड़ेगा, यहाँ भी डिवाइड कर देना है 5, 6, 7 का LCM। अब 5, 6, 7 का LCM जब लेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी LCM 5, 6, 7 का निकाल ले करके और माइनस कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। अब 5, 6, 7 का LCM यहाँ पर फाइंड कर लीजिए आप लोग, यहाँ पर LCM 210 होगा, 5, 6, 7 का LCM 210 आएगा, यहाँ भी LCM 210 आएगा तीनों संख्याओं का, तो ये तो एक बार भाग जाएगा, पूर्णांक में निकालना है, तो 210 एक कम 210, और यहाँ जाएगा चार बार, 210 चौको 840। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, चार में एक घटाएंगे तो ये तीन आएगी वैल्यू, यहाँ पर तीन इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाजित हो। अब यहाँ पर पहले चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेना है, तो चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999 और 83 से डिवाइड करेंगे पहले, तो इसी तरह ये प्रोसेस होती है। तो एक बार पहले भाग जाएगा 83 एकम 83, अब यहाँ पर देखिए जब घटाएंगे तो 16 वैल्यू बचेगी और 19 ये वाला उतर आएगा, यहाँ पर 169 हुआ। अब 83 दूनी 166 होता है, दो बार जाएगा, तो यहाँ पर दो बार भाग करेंगे, घटाएंगे तो 9 में 6 घटाएंगे 3, यहाँ 00 होगा, ये 39 हो गया। अब यहाँ पर 39 ये रिमाइंडर हुआ, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा बड़ी से बड़ी बोल रहा है, तो इसी रिमाइंडर को माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये चार अंकों की पहले संख्या लिख लेंगे 9999 में 39 से रिमाइंडर को ही माइनस कर देना है डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखिए 9 में 9 घटाएंगे 0, 9 में 3 घटाएंगे 6 और ये 99, तो 9960 इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये पुनः 17 नंबर, ये क्वेश्चन हो चुका है पहले भी, कह रहा कि 47 की घात 25 माइनस 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य है। तो यहाँ 47 की घात 25 और माइनस यहाँ 1 है, तो 1 की घात भी यहाँ 25 लिख लेंगे। अब इसमें देखिए एक आइडेंटिटी होती है, फार्मूला होता है, x की पावर n माइनस y की पावर n, ये हमेशा डिवाइड होता है x माइनस y से, इसको याद रखिएगा, ये हमेशा x माइनस y से डिवाइड होता है।
यन यहाँ पर विषम होना चाहिए, तो यहाँ देखिए विषम है, तो 47 में एक घटा देंगे, मतलब इसमें वैल्यू हो जाएगी बराबर 47 माइनस एक से विभाजित हो जाएगा। 47 में एक घटाएंगे तो 46 वैल्यू बचेगी, और 46 के भी फैक्टर कर लेते हैं, 2 × 23 करेंगे, 23 × 2 = 46, तो जो संख्या 46 से कटेगी वो 2 से भी कटेगी और 23 से भी कटेगी। तो यदि ऑप्शन में 46 नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, तो फिर 2 या 23 को ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 23 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। तो ऐसे ध्यान रखना है, ये एक आइडेंटिटी है, इसी आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि अंक एक 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 एक, ये 9 बार लिखना है, यन अंक लिखना है, सॉरी यन अंक लिखना है, तो जो कि 9 से विभाज्य है, तो यन का मान कितना होगा, न्यूनतम कितना होगा। देखिएगा एक 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 को कितने बार लिख दें कि 9 से डिवाइड हो जाए, 9 से विभाजित है, तो 9 बार लिखना होगा, कम से कम 9 टाइम लिखना पड़ेगा, क्योंकि योग 9 आ जाएगा जो कि 9 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर नंबर डी होगा। एक एक को इस तरह 9 बार लिख देंगे तो योग इनका जब जोड़ने पर आ जाएगा 9, और 9 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए योग, क्योंकि 9 का विभाजिता का नियम होता है कि अंकों का योग 9 से कटे, तो एक को 9 बार लिखना होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर शेष 73 बचता है। देखिए प्रथम शेष 73 है, तो संख्या तो 73 ही हो जाएगी, फिर कह रहा है कि उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर शेष कितना बचेगा, तो आपको संख्या तो 73 ही लेना है, इसमें 35 से भाग कर देना है, तो वही शेष आ जाएगा, मतलब जो प्रथम शेष है वही अभी संख्या हो जाएगी, अब 35 से आपको 73 में भाग कर देना, तो 35 × 70 शेष बचेगा 3, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य है। तो अब देखिए 2 से 10 तक की संख्याएं पहले लिख लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इनका एलसीएम फाइंड कर देना है, एलसीएम ही वह भी संख्या हो जाएगी एलसीएम के बराबर। तो देखिएगा यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, इन सब का एलसीएम आप याद कर लीजिए, 2520, एलसीएम 2520 होता है, और निकालने का तरीका भी आपको आना चाहिए, एलसीएम आप फाइंड कर लीजिएगा, तो यहाँ 2520 एलसीएम आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, जो कि चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध करवा दिया जाएगा, और इसका पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर ही उपलब्ध होगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं।